नाउ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। बच्चों हम देखें, अगर लीनियर इंपल्स हमने क्या निकाली थी अपने लॉज ऑफ मोशन से अगर हम चलें, तो लीनियर इंपल्स हमने क्या निकाली थी बच्चों, आई इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी होती है ना इंपल्स, फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, करस्पॉन्डिंग इंपल्स अगर हम यहाँ निकालें तो यहाँ पे जो इंपल्स होगी वो इंपल्स, यहाँ पे कौन सी इंपल्स होगी, वो होगी यहाँ एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स जो होगी यहाँ ए इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क इंटू टाइम, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कब आएगा टॉर्क, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए है, ड्यूरिंग इंपैक्ट, जब फोर्स जो एक्ट करेगा फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग इंपैक्ट लार्ज, ठीक है इंपल्स, ये ड्यूरेशन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है। ड्यूरेशन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, तो एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू टॉर्क इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इफ लीनियर इंपल्स, लीनियर इंपल्स आई इज इक्वल टू जीरो, लीनियर इंपल्स जीरो कब होगी बच्चों, लीनियर इंपल्स जीरो तब होगी जब जो है एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, जब नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, या लीनियर इंपल्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो जब ये जीरो हो तो इसके जीरो होने का क्या मतलब, ये जीरो, अरे ये जीरो ना, पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये जीरो होने का क्या मतलब, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्या, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम का मोमेंटम जो है वो रिमेन्स क्या बोलो, कॉन्स्टेंट। यानी इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, सच अ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, या लीनियर इंपल्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम जीरो है तो सच अ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम का नेट लीनियर मोमेंटम क्या बना रहता है, कॉन्स्टेंट। यही बात यहां पर अगर हम लगाएं, इफ एंगुलर इंपल्स अबाउट अ पॉइंट पी इन द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर इंपल्स जीरो, मींस ए पी इज इक्वल टू जीरो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, हमें बच्चों ध्यान दें, हमें कोई एक पॉइंट को चूज करना होगा, वहां हमें कोई पॉइंट देखना होगा जिस पॉइंट के अबाउट नेट एंगुलर इंपल्स ऑन द सिस्टम जो है वो क्या है, जीरो है। एंगुलर इंपल्स जीरो कब होगी, है टॉर्क जीरो हो। तो बच्चों ये एंगुलर इंपल्स जो है अगर जीरो है अबाउट अ पॉइंट पी इन द बॉडी एंड द सिस्टम, अगर एंगुलर इंपल्स क्या है, जीरो। ठीक है, तो एंगुलर इंपल्स जीरो मीन्स एंगुलर इंपल्स को क्या कहते हैं, टॉर्क इंपल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉर्क इंपल्स भी कहते हैं। ठीक है, टॉर्क, ये एंगुलर इंपल्स जीरो है, वो जीरो कब होगी, जब टॉर्क जीरो हो अबाउट दैट पॉइंट। ठीक है, टॉर्क जीरो हो, ऐसे भी कह सकते हैं, जब टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर इंपल्स जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो तब इन दैट केस क्या होगा बोलो, इन दैट केस एल एफ माइनस एल आई इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, जीरो। एल एफ माइनस एल आई जीरो होने का मतलब जो है क्या होगा, एल एफ इज इक्वल टू एल आई,
यानी फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्या, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या बना रहेगा, कॉन्स्टेंट। कब 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 लगेगा है? किसके अबाउट, किसी एक किसके अबाउट होगा, ये कॉन्स्टेंट होगा अबाउट पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट पी, ठीक है, अबाउट विच क्या ए पी इज इक्वल टू जीरो और टाउ पी इज इक्वल टू जीरो, उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कॉन्स्टेंट बना रहेगा जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर इम्पल्स ऑन द सिस्टम या टॉर्क इन द सिस्टम जो है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल जो होगा, सिर्फ और सिर्फ हम किस पॉइंट के अबाउट अप्लाई करेंगे, उस पॉइंट के अबाउट अप्लाई करेंगे सिस्टम में जिस पॉइंट के अबाउट नेट एंगुलर इम्पल्स ऑन द सिस्टम जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। ठीक है लिखो लो इसमें, अगर क्या स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क इम्पल्स, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क इम्पल्स, एक्सटर्नल टॉर्क इम्पल्स, टॉर्क इम्पल्स और एंगुलर इम्पल्स, टॉर्क इम्पल्स के बीच में डैश लगा लेना है ताकि एक जैसा लगे, टॉर्क इम्पल्स, टॉर्क डैश इम्पल्स, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क इम्पल्स और एंगुलर इम्पल्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडीज, एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडीज अबाउट अ पॉइंट पी, अबाउट अ पॉइंट पी, क्या लिखा, इफ देयर इज नो एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडीज अबाउट अ पॉइंट पी, लिख लिया इतना, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ बॉडीज, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ बॉडीज अबाउट दैट पॉइंट पी विल बी कंजर्व्ड, then the angular momentum of a system of bodies about that point P will be conserved, ठीक है, ठीक है, note लिखो नीचे एक, the conservation of angular momentum principle, the conservation of angular momentum principle to a system of bodies about a point P can be applied, the conservation of angular momentum principle to a system of bodies about a point P can be applied only if you are sure that only if you are sure that angular momentum about that point P, angular momentum about that point P is zero. Only when you are sure that you are या we are sure that, only when you are sure that angular impulse about that point P is zero. Angular impulse. Only you are sure that angular impulse about that point P is zero. ठीक है? इस angular momentum conservation principle का example आप अपनी
डे टू डे लाइफ से उठा सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स। ठीक है, क्या हो, क्या निकाला, क्या आया था हमारा एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। क्या आया था, एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या मतलब, आई ओमेगा। अरे एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ना, एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या, आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर बॉडी पे कोई एंगुलर इंपल्स एक्ट नहीं कर रही है या टॉर्क इंपल्स या टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है एक्सटर्नली, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी जो है वो क्या बना रहेगा, कॉन्स्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बात पर डिपेंड करता है, बॉडी के मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बॉडी के मास के डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मैं ये ऐसे हाथ फैलाए खड़ा हूं और मेरे हाथ में दोनों हाथों में डंबल हैं, 5-5 kg के डंबल हैं, मासेज हैं 5-5 kg के, ऐसे हाथ फैलाए खड़ा हूं एक टेबल के ऊपर, टेबल घूम रही है ऐसे, रोटेट कर रही है, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैं टेबल के एक्सिस पे खड़ा हुआ हूं, तो मैं भी घूम रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ ना। देखो मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है मेरे से, दूर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास दूर कर रखा है मैंने, पैर और फैला ली मैंने और दूर हो गया। ठीक है, अगर मैं अचानक अपने मासेस को हाथ पैरों को सिकोड़ लूँ, तो हाथ पैरों को सिकोड़ूंगा तो मास जो है वो क्या आ जाएगा, करीब आ जाएगा। मास एक्सिस से जितना दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, और जैसे मैं अपने हाथ पैरों को सिकोड़ूंगा तो मास कहाँ आ गया, एक्सिस के करीब आ गया, डंबल मैंने यहाँ रख लिया और करीब यहाँ कर लिया और कम हो जाएगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉडी का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा बॉडी का कम होगा, ठीक है, ये जो फोर्सेस मैंने लगाए हैं ये सब क्या है सिस्टम पे, इंटरनल फोर्सेज हैं, फ्रिक्शनलेस टेबल है, सब इंटरनल फोर्सेज हैं। ठीक है, रोटेट टेबल है, टेबल रोटेट कर रही है, किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही होगी, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या बना रहेगा, कॉन्स्टेंट। जैसे ही मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो ओमेगा ऑफ द टेबल जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, टेबल का रोटेशन क्या हो जाएगा, फास्ट, टेबल तेजी से घूमने लगेगी, समझे। वो देखा होगा आपने, बैलेट डांसर होती है ना, वो बैलेट डांसर कहते हैं, बैलेट डांसर जिसमें वो एक स्केटिंग रिंग में बैले भी कहलावा, बैलेट भी, बैलेट डांसर भी तो होता है कुछ है, जिसमें स्केटिंग रिंग में जो है आइस के ऊपर जो है घूमती भी आती है, अंदर से एंट्री करता है, लेडीज जेंट्स दोनों होते हैं, घूमता हुआ आता भी है, घूमता हुआ आती भी है, दोनों प्रकार के होते हैं, तो आइस स्केटिंग होती है वो, तो जो भी होती है बहरहाल, तो उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि वो ऐसे ऐसे घूम के आके बॉडी को एंगुलर रोटेशन देके, जैसे एंगुलर रोटेशन देते टाइम जब बॉडी को घुमा रही होती है ऐसे करके, तो उसका हाथ पैर सब उठे हुए होते हैं यूं, है, हल्का सा रोटेशन दिया अपनी बॉडी को फैला के रोटेशन दिया, जब बॉडी को फैला के रोटेशन दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, ओमेगा कम था, और रोटेशन दे के बॉडी एकदम सिकोड़ ली, पैर को चिपका लिया और हाथ पैर भी सिकोड़ लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो ओमेगा बढ़ गया, तो रोटेशन बढ़ जाता है। समर सॉल्ट भी होते हैं, समर सॉल्ट, तो हम क्या फरमा रहे थे, समर सॉल्ट, समर सॉल्ट आपने देखा होगा, वो जो है एक फ्लेक्सिबल जो है पटरी जैसी होती है, उसके ऊपर वो जंप करता है ना ऊपर से स्विमिंग पूल में, तो जब स्विमिंग पूल में जंप करता है तो पहले स्ट्रेट बॉडी है ना, यहाँ से जंप करा, फ्लेक्स से जंप करके अपनी बॉडी को एंगुलर रोटेशन दे के पूरी बॉडी को फोल्ड कर लेता है, हल्का सा एंगुलर रोटेशन दिया, एंगुलर रोटेशन दिया, बॉडी को फोल्ड कर लिया, जब बॉडी को फोल्ड करा तो सारा मास एक्सिस के करीब आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, ओमेगा बढ़ गया, रोटेशन बढ़ जाते हैं, और पानी में जाने से पहले फिर खोल लेता है बॉडी को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वापस बढ़ जाता है, ओमेगा कम हो जाता है, सीधा पानी में जाता है। ठीक है, ये कुछ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से आप बुक्स जब पढ़ेंगे, बुक्स तो आप पढ़ते ही होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते होंगे, वहाँ पे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे, न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम करवाते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स, और एनर्जीज पे अपना कैलकुलेशन आगे बढ़ते हैं हमारा, इसके बाद लास्ट एनर्जी का कैलकुलेशन बचता है, चैप्टर खत्म, उसके बाद डेरिवेशन बचेंगे, उसके लिए हम एक क्लास लगाएंगे। ठीक है, लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, वो तो कलकत्ता गया है, क्लास कर रहा है वहाँ पे वो, लिखो, अ चाइल्ड स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ अ टर्न टेबल, a child stands at the center of a turntable
विद हिज टू आर्म्स आउट स्ट्रेच्ड, विद हिज टू आर्म्स आउट स्ट्रेच्ड, ठीक है, ऐसे खड़ा हुआ है, आउट स्ट्रेच्ड, ठीक है, आउट स्ट्रेच्ड, फुल स्टॉप. द टर्न टेबल इज सेट, एस ई टी, द टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 40 आर पी एम. आर पी एम का क्या मतलब होता है? रोटेशन या रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, पर मिनट 40 रिवोल्यूशन हो रहे हैं किसके, टर्न टेबल के, फुल स्टॉप. हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड, हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ चाइल्ड इफ ही होल्ड्स हिज हैंड बैक, हाउ मच इज द एंगुलर स्पीड ऑफ चाइल्ड इफ ही होल्ड्स हिज हैंड बैक एंड देयर बाय रिड्यूसेज हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड देयर बाय रिड्यूसेज हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय 2/5 times, 2/5 times the initial value, full stop. Assume that the turntable rotates without friction. Assuming that the turntable rotates without friction. Full stop. Show that the child's new kinetic energy of rotation is more than, show that the child's new kinetic energy of rotation is more than its initial kinetic energy. More than its initial kinetic energy. How do you account for this increase in kinetic energy? बताइए. शो करना है कि बच्चे की काइनेटिक एनर्जी जो है, जब उसने होल्ड अपने हैंड्स को वापस होल्ड बैक कर लिया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ गई. तो ये एनर्जी कहाँ से बढ़ी, कहाँ से आई? हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये बताना है. तो देखो बच्चों, देखा जाता ध्यान से, ये टर्न टेबल है, घूम रही है, इसमें बच्चा खड़ा हुआ है, ये बच्चा है, अपने हाथ बाहर निकाल के ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये टर्न टेबल ऐसे घूम रही है ओमेगा रोटेशन से, नीचे यहाँ टेबल है मान लो, ऐसे घूम रही है, इसका एंगुलर रोटेशन ओमेगा से हो रहा है, ओमेगा वन से. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बच्चे का यहाँ पे आई वन बराबर आई है, ठीक है, और ओमेगा वन बराबर जो है वो कितना है, 2π(ν₁). न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द चाइल्ड, जो कि कितनी दी हुई है, 40 rpm, ठीक है, 40 revolution per minute. अब इस बालक ने क्या किया, इस बालक ने अपने हाथों को फोल्ड कर लिया, ये साहब जो है ये हाथ इसके फोल्ड हो गए. अब जब फोल्ड कर लेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस होकर कितना हो गया, 2π(5/5 times ऑफ इनिशियल वैल्यू रह गया. अगर आई था तो आई के बाद कितना बचा, 2/5 times ऑफ इनिशियल वैल्यू. तो ओमेगा 2 कितना हो गया, मान लो ओमेगा 2 जो है 2π(ν₂), इतना ν₂ बताना है. ν₁ कितना दिया हुआ है तुम्हें, ν₁ दिया हुआ है 40 rpm, ठीक है. तो अप्लाई कर दो, सिंस नो एंगुलर इंपल्स और टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, बाहर से कुछ नहीं एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो अप्लाई कर देंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. क्या कहेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल कितना है I₁ ω₁ और फाइनल कितना हो गया I₂ ω₂, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है. आई दो, समझ गया ना मेरी बात को, यानी I₁ I(2π(ν₁) इज इक्वल टू क्या, 2/5
यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आई टू में क्या आएगा, यहाँ 2/5 आई इंटू 2π न्यू टू। तो न्यू टू जो है वो कितना हो जाएगा बोलो, न्यू टू हो जाएगा 5/2 इंटू न्यू वन, यानी न्यू टू कितना हो गया 2.5 या 5/2 इंटू कितना था 40 आरपीएम थे ना, ठीक है कितने हो गए बोलो 100 आरपीएम। तो जो रोटेशन हो रहे थे कितने 40, अब हो रहे हैं कितने 100, एंगुलर रोटेशन चाइल्ड का बढ़ गया। अब क्या कह रहा है अगले पार्ट में शो करिए कि चाइल्ड की काइनेटिक एनर्जी जो है फाइनली ज़्यादा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, और ये कहाँ से आई ये बताना है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होती है पता है आपको, ठीक है अभी मैंने प्रूफ नहीं किया अभी करूँगा, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी KI, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², तो मास की जगह क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है और वी की जगह क्या ओमेगा, 1/2 i ω² वेलोसिटी की जगह ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है, ठीक है और तो i₁ω₁² हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो क्या आएगी बोलो, KF = क्या हो जाएगी 1/2 i₂ω₂² हो जाएगी। दोनों एनर्जी का रेशियो ले लूं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 1/2 कैंसिल हो गया, यहां से क्या आया I2 upon K1 K2 ले लो ना, जब K1 K2 ले लो, K1 K2 K1 आसानी रहेगी, ठीक है और ये कितना हो जाएगा ω₂ upon ω₁² I2 कितना है 2/5 i, तो 2/5 i/i और ये कितना है ω₂ 2π ν₂ ν₂ upon ν₁ हो जाएगा ना, ठीक है 2π कट जाएगा तो कितना आ गया 2/5 × 100/40, ठीक है कितना आया ये 5/2 हो गया ना, और यहाँ 5 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 2, 5/2 का स्क्वायर, तो K₂ = जो है कितना आ गया 2.5 K₁, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का क्या है 2.5 टाइम्स है, यानी ज़्यादा है, क्लियरली K₂ > K₁, सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। अब अकाउंट संभालो, हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस काइनेटिक एनर्जी, कहाँ से आई है ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ कहाँ से आई, कहाँ से आई, तो उससे एनर्जी का क्या मतलब, एनर्जी ना एनर्जी में जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ी जाएगा एनर्जी में, एनर्जी ही ना एनर्जी में कन्वर्ट होगी, द चाइल्ड्स इंटरनल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। हाथ को सिकोड़ने में चाइल्ड ने एनर्जी का जो यूज किया है, जो चाइल्ड की जो इंटरनल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है ये आप लिखेंगे अकाउंट में कि ये एनर्जी हमारे पास यहां से आई है सिस्टम में, कि द चाइल्ड्स एक्सप्लेनेशन दोगे ना, इसका क्लैरिफिकेशन दोगे कहां से आई है ये एनर्जी, द चाइल्ड्स इंटरनल एनर्जी, चाइल्ड इंटरनल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। नोट करिए, वर्क डन बाय टॉर्क निकाल सकते हो, वर्क डन बाय टॉर्क याद रहे, मैं अभी किसी तरीके का कोई प्रूफ नहीं ले रहा हूं, है एक साथ लूंगा प्रूफ सिर्फ तुम लोगों को बुला के। वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल टू होगा DW = τ × dθ। अगर बॉडी के ऊपर टॉर्क एक्ट किया, टॉर्क क्या करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा ना, ठीक है लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जगह कौन टॉर्क, ठीक है
तो वर्क डन बाय टॉर्क जो होगा, स्मॉल वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाउ इनटू डी थीटा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इनटू डी थीटा। टाउ टॉर्क है और डी थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। टॉर्क बॉडी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा, फोर्स बॉडी को लीनियर डिस्प्लेसमेंट देगा। तो वर्क डन बाय टॉर्क होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इनटू डी थीटा। पावर अगर निकालें हम, ठीक है, पावर क्या होगी, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, यही तो होगी पावर है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कौन कर रहा है यहाँ वर्क, टॉर्क कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी पावर, टाउ इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, दोनों तरफ डी टी से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे पावर जो होगी वो क्या होगी, टाउ ओमेगा, वहाँ क्या होती है पावर, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा जीरो होगा क्योंकि टाउ और ओमेगा एक ही डायरेक्शन में आएंगे, टॉर्क और ओमेगा एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते हैं अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वर्क डन पावर, पावर जो होगी वो क्या होगी, क्या होगी, टाउ ओमेगा, टॉर्क इनटू ओमेगा, ठीक है, ठीक है। फोर्स के लिए क्या होती है पावर, पी इज इक्वल टू फोर्स, टॉर्क की जगह फोर्स और ओमेगा की जगह वेलोसिटी एफ वी, ठीक है, एफ वी, क्लियर हो गया। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ध्यान दें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, अगर रोटेशन के लिए हम काइनेटिक एनर्जी निकालें तो क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, बोलो, के ई इज इक्वल टू हाफ एम ए वी स्क्वायर होती है ना काइनेटिक एनर्जी, मास की जगह पे यहाँ पे कौन आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वी की जगह पे यहाँ पे कौन आ जाएगा, ओमेगा, ठीक है। सब प्रूफ कराऊंगा मैं, टेंशन ना लें, हाँ प्रूफ आते हैं आपके 11 में। टाउ इज इक्वल टू आई ओमेगा, क्या था, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, आई ओमेगा नहीं, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, इसका प्रूफ, ये तीनों प्रूफ कराऊंगा मैं, ये आते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, आ गया। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, अगर बॉडी रोल कर रही है तो क्या होगा, बोलो यार, अरे रोलिंग में क्या होता है, रोलिंग में क्या होता है, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होता है। जब बॉडी रोल करती है तो सेंटर ऑफ मास भी ट्रांसलेट करता है और बॉडी घूमती भी है, तो रोलिंग में ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग क्या होगी, रोलिंग में जब बॉडी में ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा हो, जब बॉडी में ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ट्रांसलेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी और रोटेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कौन सा, ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या, बोलो, रोटेशन। याद रहे जब बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की वजह से भी है और रोटेशन की वजह से भी है। ट्रांसलेट कौन करता है, हैं, अरे प्योर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी किसकी होती है, सेंटर ऑफ मास की। तो ट्रांसलेशनल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये यहाँ किसकी वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, तो ये प्योर ट्रांसलेशनल एनर्जी हो गई, ठीक है, प्लस काइनेटिक, काइनेटिक कितनी हो गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर बॉडी रोल नहीं कर रही है तो यह आंसर होगा, ये अलग निकलेगी या निकलेगी समान सा आंसर। अगर बॉडी रोल कर रही है तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ रोलिंग लगा दोगे, कंडीशन ऑफ रोलिंग क्या है, नाउ कंडीशन ऑफ रोलिंग लगा दोगे यहाँ, अगर रोलिंग के लिए निकाल ले हो, क्या है कंडीशन ऑफ रोलिंग, कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रोलिंग की कंडीशन है ना, रोलिंग के केस में, ठीक है, जब सरफेस रेस्ट में है। अब जब सरफेस रेस्ट में नहीं है तो वैली कंडी वी माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द सरफेस लग जाएगा, ठीक है, तो ओमेगा क्या आ गया, वी बाई आर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिख सकता हूँ, इसको यहाँ डाल दिया मैंने, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिख सकता हूँ, बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में क्या लिखोगे, हैं, एम के स्क्वायर लिख दोगे, हैं, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पे मैंने यहां से, इस यहां से चला, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पे मैंने एम के स्क्वायर लिख दिया, वेयर के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर रिंग रोल कर रही है तो के आर हो जाएगा, डिस्क रोल कर रही है तो के आर बाई टू हो जाएगा,
स्फीयर रोल कर रहा है तो के अंडर रूट 2/5 r हो जाएगा, ठीक है। और ओमेगा की जगह यहाँ पे डाल दिया गया v बाई आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया, हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन कितनी आ गई, जरा देखो इस फॉर्मूले को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। रोलिंग के लिए जब भी काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ी आपको, तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये बचा, ठीक है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना हो, मान लो क्वेश्चन करना हो, मान लो आपके पास ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड है, एक बॉडी जो है या रेस्ट से चली, राउंड सर्कुलर बॉडी एच हाइट के इंक्लाइन से रेस्ट से चली, ये एच हाइट का इंक्लाइन है, थीटा डिग्री के एंगल पे कैसा इंक्लाइंड है, मान लो कुछ स्मूथ छोड़ दो, स्मूथ की का कोई जिक्र नहीं, रोलिंग का केस ले लो, ये चली, ठीक है। और ये इंक्लाइन से बॉडी चली और बॉडी रोल करती हुई यहां पहुंच गई इंक्लाइन पे, ठीक है। आपसे पूछे फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यहां पे वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट से चली बॉडी, व्हेन बॉडी रीच्ड एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन, ठीक है, ठीक है। कंसिडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, कंसिडर क्या कंसिडर करना है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, बॉडी की रोलिंग को कंसिडर करते हुए ये बताना है कि जब बॉडी एच हाइट के इंक्लाइन से रेस्ट से चली तो इंक्लाइन के बॉटम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी बताने के लिए क्या होगा, जब बॉडी यहां से यहां पहुंचेगी तो एच हाइट नीचे गिर गई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी घट के कहाँ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, ठीक है। कैसे लगाओगे, दो तरीके से कर सकते हो, एक तो डायनामिक मेथड से और दूसरा नोट कर लिया करो तो, ठीक है। यूज देखो दो मेथड, यूज डायनामिक मेथड, डायनामिक मेथड का मतलब है फोर्स एक्सेलरेशन टॉर्क से करना है, और दूसरा यूज एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड और डायनेमिक मेथड, दोनों मेथड से इसकी स्पीड बतानी है बॉटम ऑफ द इंक्लाइन पे, बताओ। सुनो मेरी बात ध्यान से, डायनेमिक मेथड हम यूज करके बॉडी का एक्सलोरेशन, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, राउंड सिमेट्रिकल बॉडी का एक्सलोरेशन हम निकाल चुके। तो सबसे पहले डायनेमिक मेथड से कैसे होगा, क्वेश्चन सबसे पहले देखो, अगर आपसे डायनेमिक मेथड अगर आपको डायनेमिक मेथड से करने का शौक हो, ठीक है, तो डायनेमिक मेथड से करने का शौक वैसे ही जैसे हमने निकाला था, क्या निकाला था, एक्सलरेशन निकाला था ना, सबसे पहले जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस क्या बोलो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सबसे पहले ये निकालना होगा, ये निकालना होगा, डायरेक्ट नहीं यूज करोगे, न्यूमेरिकल के लिए यूज कर लेना, ठीक है। लेकिन इलेवेंथ वाले जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, उनको ये निकाल के दिखाना होगा अपने इम्तिहान में, जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल अप्रोच में लगे हुए हैं, न्यूमेरिकल वाले के केस में आप डायरेक्ट इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये निकाला, निकालने के बाद ये एक्सेलरेशन है बॉडी का इंक्लाइंड प्लेन पे जो हम निकाल चुके। कैसे निकाला था हमने, फोर्स निकाला था एम जी साइन थीटा, याद करो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इजिक्वल टू एम ए, फिर टॉर्क इक्वेशन लगाई थी, ठीक है। टॉर्क निकालने के बाद कंडीशन ऑफ रोलिंग लगाई थी, उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करा था, ये आया था लास्ट लेक्चर में, रोलिंग ऑफ अ राउंड सिमेट्रिकल बॉडी, ठीक है, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब ये निकालने के बाद अब आप लगाओगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है, ठीक है। बॉटम पे बॉडी चलेगी तो डिस्प्ले वेलोसिटी वी कहाँ कितने से चली, रेस्ट से चली यू से, एक्सेलरेशन कितना जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, इंक्लाइन की लेंथ हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल इज एच बाई साइन थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट है। साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाई एस करोगे ना, एच बाई एस, अगर ये एस टोटल डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट आएगा एच बाई साइन थीटा, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा साइन थीटा से, साइन थीटा कट गया तो कितनी आ गई स्पीड, अंडर रूट टू जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये स्पीड आ गई, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट ऑफ द इंक्लाइन, ठीक है। कौन सी बॉडी की स्पीड ज्यादा होगी निकाल सकते हैं, अच्छा सबसे पहले मैं वो ले लूं, एनर्जी मेथड लगाओगे, एनर्जी मेथड से तो ये बहुत ही आसान है,
एनर्जी मेथड से। इससे जो है देखो इसमें स्टेपिंग बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां तक पहुंचने में 11th के बच्चों को वक्त लगेगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसने पूछा है बॉटम पे स्पीड और उसने कहा है यूज डायनामिक मेथड, डायनामिक मेथड से निकलवाया है। तो पहले आपको ये निकालना होगा जैसे मैंने निकाला था, वो सारे स्टेप फॉलो करके फिर यहां चलना होगा, ठीक है। एनर्जी मेथड से बहुत आसान है, क्या है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। कितना एच हाइट गिर के कितना पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी mgh, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बढ़ के ग्राउंड पे इतना हो जाएगी 1+k² / r², जब भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ली थी ना हमने, वो आ जाएगी। तो m से m कट गया, देखो कट गया, क्या आ गई बॉटम पे स्पीड, वही जो अभी यहां से आई है, अंडर रूट 2gh/1+k² / r² 2gh/1+k² / r², ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आ गई। अब अगर मैं यहां k डाल दूं, रिंग का केस डाल दूं, रिंग, तो रिंग के लिए डिनोमिनेटर कितना बचेगा, k की वैल्यू क्या होगी रिंग के लिए, r। अरे रिंग के लिए k की वैल्यू r होगी ना, तो कितना आएगा डिनोमिनेटर में, √2 आएगा। और अगर डिस्क डाल दूं तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी होगी, r/√2, तो 1+1/2 क्या होगा, 3/2 क्या होगा, 1.5। तो डिनोमिनेटर में 2 और डिस्क के लिए 1.5, 3/2 ना डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 3/2 कितना होगा, 1.5, डिस्क के लिए कितना आया 2। अगर मैं यहाँ स्फीयर डाल दूँ, स्फीयर, तो स्फीयर के लिए, स्फीयर के लिए k की वैल्यू कितनी डालोगे, √2/5 r, तो 2/5 r² √2/5 r डालोगे, 1+2/5, 2/5 का मतलब क्या, 7/5, 7/5 का मतलब क्या, 5 4, ये हो गया। तो डिनोमिनेटर में गया, किसका डिनोमिनेटर कम है, ये स्फीयर का, ये डिस्क का, और ये रिंग का। तो जिसका डिनोमिनेटर कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा, तो कौन सबसे ज्यादा स्पीड से पहुंचेगा, स्फीयर, फिर डिस्क, फिर रिंग। तो सबसे ज्यादा गति से जो पहुंचेगा वो कौन पहुंचेगा, स्फीयर। अगर तीन बॉडी, तीन राउंड सिमेट्रिकल बॉडी सेम हाइट के इंक्लाइन से रोल करती हुई बॉटम ऑफ द इंक्लाइन पर पहुंचेंगी, तो स्फीयर सबसे ज्यादा गति होगी, स्फीयर की, फिर डिस्क की, फिर रिंग की। लिखो, अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l लाइज, a rod of mass m and length l lies on frictionless horizontal surface. On a frictionless horizontal surface, on which it is free to, on which it is free to move in any way. In any way, way, full stop. A ball of mass m, moving with speed v, as shown in figure, collides elastically with it, what must be the mass of the ball, so that it remains at rest immediately after collision
ये रॉड का सेंटर है, रेस्ट फ्रिक्शनलेस टेबल पे है, इसके सेंटर से डी डिस्टेंस नीचे एक एम मास की ये बॉडी, एम मास की बॉल, वी वेलोसिटी से यहाँ से डिस्टेंस दी हुई है डी, ये फिगर दिया हुआ है, एम मास की बॉडी ऐसे डी डिस्टेंस से यहाँ सेंटर से इससे आके हिट करती है, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। इसका मास दिया हुआ है m, क्वेश्चन में मास दिया हुआ है सिर्फ किसका, रॉड का, ठीक है, रॉड का मास दिया हुआ है, रॉड की लेंथ दी हुई है क्वेश्चन में, और वेलोसिटी दी हुई है, किसकी वेलोसिटी दी हुई है, हैं, बॉल की, बॉल का मास नहीं दिया हुआ है, ये निकालना है, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, ये निकालना है, दिस मास ये मास निकालना है, ये निकालना है, बताओ। सुनो भाई, सुनो, देखो भाई, देखो जरा क्या करना है इसमें, हमने देखो इधर, देखो, सबसे पहले अप्लाई करो, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या होगा, क्या कह रहा है, कब निकालनी है वेलोसिटी, बोलो तो सही, लास्ट में पढ़ो क्या लिखा हुआ, मास निकालना सर, हाँ कब निकालना है, इमीडिएटली आफ्टरवर्ड, इमीडिएट कोलिजन के इमीडिएट बाद, तो कोलिजन के इमीडिएट बाद क्या हो रहा होगा, देखो ज्यों ही कोलिजन होगा त्यों ही ये जो बॉडी है, ये जो रॉड है, ये क्या होगी, ये जो रॉड है एम मास की रॉड, ये जो है ऐसे वी वेलोसिटी से आगे को बढ़ जाएगी, कैपिटल वी वेलोसिटी, और ये जो है ज्यों ही कोलिजन हुआ, ये जो है ये वाली बॉल जो है वो क्या आ जाएगी, ये किस में आ जाएगी, रेस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले अप्लाई करो इस पे, कोलिजन के फौरन बाद का सीन दिखा रहा हूं, ठीक है, नहीं यार इलास्टिक कोलिजन है, ये रेस्ट में आ गई, ये आगे बढ़ जाएगी ना, इसकी एनर्जी इसको ट्रांसफर हो गई कंप्लीट, तभी तो ये रेस्ट में आई होगी, ठीक है, इसके बाद ये घूम आगे आगे बढ़ के घूमेगी, है घूम, अरे यार ऐसे थोड़ी चलेगी यार ये रॉड, ठीक है, टर्न भी होगा ना, रोटेशन भी होगा, दोनों चीजें होंगी, है ठीक है, टर्न भी होगा और घूमेगी भी, तो क्या होगा, तो अप्लाई करो सबसे पहले, क्या अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या होगा, मोमेंटम क्या है यहां, इनिशियल एम वी, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम वी, फाइनल क्या है, फाइनल इसका मोमेंटम जीरो, क्योंकि ये किसमें आ गई, रेस्ट में आ गई, ठीक है, ये किसमें आ गई, रेस्ट में, और इसका मोमेंटम कितना है, एम वी, किसकी वेलोसिटी देगा ये हमें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आ गई रॉड की, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाली है मैंने, ठीक है, कितनी आ गई, एम अपॉन एम इंटू वी, तो इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन रॉड जो है वो इस वेलोसिटी से चलेगी, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये हो, ठीक है, और रॉड फिर टर्न भी होगी, घूमेगी भी ऐसे करके, हैं ओमेगा भी लेगी, जब यहां पैक दोगे रॉड को, अरे रॉड हॉरिजॉन्टल टेबल पे है रखी हुई फ्रिक्शनलेस, यहां आगे बॉल हिट करेगी तो रॉड घूमेगी ना, रॉड टर्न भी होगी और आगे भी बढ़ेगी, दोनों चीजें होंगी, जब यहां आके रॉड ऐसे हॉरिजॉन्टल ही रखी, ये वर्टिकल नहीं है, ठीक है, जब टेबल होगी ऐसे तो हॉरिजॉन्टल ये भी होता है, ये भी होता है, टेबल पे हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऐसे रखी हुई रॉड, ऐसा फिगर है, और जब यहां पे आके हिट करेगी, ऐसे हिट करेगी तो रॉड ऐसे भागेगी ना आगे को, ठीक है, तो टर्निंग भी होगी और सेंटर मास भी आगे को बढ़ेगा, समझ गए मेरी बात को, आप क्या करो, अब आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दो, ठीक है, वो पॉइंट देख लो जिस पॉइंट के अबाउट जो है वो क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट जीरो है, क्या जीरो है, एंगुलर इंपल्स, तो किस पॉइंट के अबाउट जीरो है, किसका, किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर इंपल्स जीरो है यहां, है? अरे देखो देखो मेरी बात, सिस्टम पे एंगुलर इंपल्स जीरो ही होगी, क्यों होगी जीरो, क्योंकि जब बॉडी आके हिट करेगी, जब बॉडी आके इसको हिट करेगी तो क्या होगा कि ड्यूरिंग कोलिजन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस डेवलप होंगे, ये इसके ऊपर जितना फोर्स इधर को डेवलप करेगी उतना ही फोर्स रॉड इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आएंगे, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जितना टॉर्क इसके लिए डेवलप होगा उतना ही टॉर्क इसके लिए होगा, तो जितनी टॉर्क इंपल्स इसके लिए होगी उतनी टॉर्क इंपल्स इसके लिए होगी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट क्या है यहां, जीरो, कोलिजन के केस में जीरो है यहां, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैं यहां कैलकुलेट कर सकता हूं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्या है यहां, जीरो है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट
ये हिटिंग पॉइंट पे जो फोर्सेस लगेंगे वो कैसे लगेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऐड करते हैं तो नेट लीनियर इंपल्स भी जीरो इन द सिस्टम, इसलिए लगाया है मैंने ये, लीनियर इंपल्स जीरो है क्योंकि कैसे फोर्सेस ऐड करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट इंपल्सेस आती हैं, ठीक है, तो एंगुलर इंपल्स भी इक्वल एंड अपोजिट आ रही होंगी, तो नेट इंपल्स क्या है, जीरो है ऑन द सिस्टम, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट अप्लाई कर दूं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, किसके अबाउट निकाल रहा हूं, अबाउट सेंटर ऑफ, अबाउट सेंटर ऑफ रॉड, रॉड के सेंटर के अबाउट, देखो कोलिजन से पहले सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम किसका, ये तो रेस्ट में है, सिस्टम में दो बॉडी है, एक ये और एक ये, सिर्फ ये आ रही है, ये ट्रांसलेट करती भी आ रही है बॉल कितनी वेलोसिटी से, कितने मोमेंटम से, एम वी मोमेंटम से, और सेंटर ऑफ मास के से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दी हुई है, डी, ठीक है, किधर को आएगा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बोलो, अरे मोमेंट आर्म हो गई ना, तो किधर को जाएगा, इधर को मतलब किधर को, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो एम वी डी आ गया, ये क्या है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, देखो इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों है, मेरी बात सुनो ध्यान से, इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों है, लेकिन जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल रहा हूं मैं ट्रांसलेशन के लिए, तो क्या आएगा ट्रांसलेशन के लिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन के लिए जीरो, किसी और पॉइंट के अबाउट मिलेगा ना, इस पॉइंट के अबाउट अगर निकालता तो ट्रांसलेशन के लिए आता, फिर एम इन टू एल बाई टू आता ना, अभी क्या आएगा यहां जीरो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल रहा हूं प्लस आई ओमेगा, ओमेगा क्या है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्जिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, ठीक है, ठीक है, नहीं अल्लाह अकबर, शुक्र है अल्लाह टाइम पे सी एन आर सी चल रहा है पिछले साल सी एन आर सी देखो बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से, ये निकाला है हमने एंगुलर मोमेंटम इनिशियल कोलिजन से पहले एंगुलर मोमेंटम निकाला है ऑफ द सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, ठीक है, ये कोलिजन से पहले का सीन है,
ये जस्ट आफ्टर कोलिजन का सीन है, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या है ये, इसके नीचे लिख सकते हो जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है, और ये बिफोर कोलिजन, तो कोलिजन से पहले ये एम मास की बॉल वी वेलोसिटी से आ रही है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो इस एम वी, ये लीनियर मोमेंटम है ना, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डी है, किधर आएगा एंगुलर मोमेंटम, एंटी क्लॉक वाइज, ये एंटी क्लॉक वाइज आया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये आया, ठीक है, एम वी डी एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। अब यहाँ पे निकालो फाइनल सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम जस्ट इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, तो मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला है मैंने वहाँ, तो यहाँ भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही निकालूँ, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब मैं यहाँ पे निकालूंगा तो इस सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो है इस रॉड का, रॉड ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, तो एंगुलर मोमेंटम होगा ट्रांसलेशन के लिए भी और रोटेशन के लिए भी, चूंकि मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूँ, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूँ तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ट्रांसलेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए जब बॉडी के एंगुलर मोमेंटम निकालना है आपने, तो जिस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं उस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास के लीनियर मोमेंटम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होती है। अगर मेरे पास ये डिस्क है, देखो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, अगर ये डिस्क वी वेलोसिटी से एम वी मोमेंटम से ट्रांसलेट कर रही है, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है हमने और रोटेट भी कर रही है, ठीक है, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों है, अगर मैंने इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन के लिए मिल जाएगा, क्या होगा, एम वी आर, किधर होगा, एंटी क्लॉक वाइज, तो इसका इसका मोमेंटम कितना है, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर माइनस आई ओमेगा, अगर एम वी आर को आपने प्लस लिया तो, अगर क्लॉकवाइज प्लस लिया तो आई ओमेगा माइनस एम वी आर, और अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालूंगा, इस पॉइंट के अबाउट तो क्या आएगा, ट्रांसलेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम जीरो, क्यों आएगा, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट निकालूंगा तो जो ट्रांसलेशन जो है वो किसका होता है, सेंटर ऑफ मास का होता है, प्योर ट्रांसलेशन कंपोनेंट, तो सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम जो है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है का लाइन ऑफ एक्शन, इसलिए इस पॉइंट के अबाउट ट्रांसलेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम जीरो है, इसका सिर्फ क्या है, इस पॉइंट के अबाउट ओनली रोटेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी यही बात है, मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल रहा हूँ तो बेशक यहाँ डिस्क, यहाँ रॉड ट्रांसलेट और रोटेट दोनों करेगी, बट इस सेंटर के अबाउट ट्रांसलेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, जीरो, किसी और पॉइंट के अबाउट निकालूँ तो मिल जाएगा ट्रांसलेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम, अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालूँ तो मिल जाएगा एम वी, एम वी ट्रांसलेट कर रहा सेंटर ऑफ मास एम वी इंटू दिस डिस्टेंस एल बाई टू, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या लिया है मैंने, जीरो, बिकॉज मैंने किसके अबाउट निकाला, अबाउट सेंटर ऑफ रॉड, ठीक है, और रोटेशन के लिए क्या होगा, आई ओमेगा, तो ओमेगा जो है यहाँ से क्या आ जाएगा, जरा बोलो तो सही, ओमेगा यहाँ से आ जाएगा एम वी डी अपॉन आई, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट सेंटर, जो कि कितना होता है, वन अपॉन ट्वेल्व एम एल स्क्वायर, एंड के अबाउट कितना होता है, 1 अपॉन 3 एम एल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 अपॉन 12 एम एल स्क्वायर डाल दो, तो एम वी डी अपॉन 1 अपॉन 12 एम एल स्क्वायर, ठीक है, एल लेंथ दी हुई ना रॉड की क्वेश्चन में, 1 अपॉन 12, ठीक है, तो ओमेगा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 वी डी अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया ओमेगा, आ गया। अब आप अप्लाई कर दो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्यों लगा रहे कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कोई भी एनर्जी के लॉसेस नहीं होंगे, ठीक है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, जब ये यहाँ ये चल रही है तो इसकी एनर्जी लॉस नहीं हो रही फ्रिक्शन के अगेन, बिकॉज ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रही है बॉल, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस से आगे टकरा रही है, कोलिजन कैसा दिया हुआ क्वेश्चन में, इलास्टिक, तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब वो कोलिजन होता है जिसमें कोलिजन के दौरान एनर्जी लॉसेस नहीं होते, तो ना तो कोलिजन में एनर्जी लॉस हो रहे हैं, सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है, सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, तो नो लॉस इन एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन, एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम क्या है यहाँ मास ऑफ द बॉल, वी क्या है स्पीड ऑफ द बॉल, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड जो कि क्या है जीरो, बिकॉज वो रेस्ट में है, ठीक है, और एनर्जी आफ्टर कोलिजन कितनी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन आ गया रॉड में, ठीक है, एम क्या है यहाँ मास ऑफ द रॉड प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर क्यों, क्योंकि रॉड ट्रांसलेट और रोटेट दोनों करेगी, जब रॉड से आगे, ये रॉड है ना ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखी हुई, जब रॉड से आगे ये हिट कर रही है यहाँ पे, तो रॉड जो है ऐसे जो है रोटेट भी करेगी, रोटेट करती भी आगे बढ़ेगी, ठीक है, रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों होगा उसमें, तो ये हो गई एनर्जी आफ्टर, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, वी ना लेके ये छोटा वाला कैपिटल वी ले लूं, क्योंकि मैंने यहां पे इस वेलोसिटी को क्या लिया है, ये कैपिटल वी लिया है, ठीक है, कैपिटल वी, ठीक है, ये कैपिटल वी ली है वेलोसिटी,
क्लियर हो गया। अब यहां पे ये जो v है, इस v को उठा के यहां और इस ओमेगा को उठा के यहां डाल दो, ये v भी डालो यहां उठा के और ओमेगा भी डालो, तो आपका यहां मास ऑफ द बॉल ये m निकालना है हमने, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, या इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा, एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने यहां डाला और इस ओमेगा को रखो यहां, क्या आएगा देखो तो सही, 12 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 144। अच्छा पहले हाफ हाफ ऐसी लिखूं ये, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 1 अपॉन 12 एम एल स्क्वायर, 1 अपॉन 12 एम एल स्क्वायर ये लिख दिया, इंटू ओमेगा लिखूं, ओमेगा कितना है बोलो, 12 इंटू 12 ओमेगा का स्क्वायर कर रहा हूं, इंटू वी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर की पावर 4, यानी दो बार एल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये एम एल स्क्वायर और वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर हाफ 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 और एक ये 12 ये कट गया, ठीक है। तो यहां बचा आपका 1, यहां बचा आपका m है 1 बाय m, कौन सा m बाय m बचेगा, कौन से तीनों में एक m कट, तो एक m बच जाएगा ना, कौन सा ऊपर वाला, अच्छा एक m कट रहा है, ठीक है एक m कटाइए, स्क्वायर कट दिया ये, ठीक है। तो m बाय m, m बाय m यहां से क्या बचेगा, ये कट गया, यहां से बचेगा 12 प्लस 12, यहां से बचेगा d स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, ठीक है ये बचेगा, यहां से आप स्मॉल m मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो m बाई m जो है वो आपका आ जाएगा, m बाई m इज इक्वल टू 1 माइनस 12 डी स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, तो स्मॉल m आपका आ गया, क्या आ गया, l स्क्वायर माइनस 12 डी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एम, ये आपका मास है, ये आपका मास ऑफ द बॉल है।